आई एम यूजिंग माई नमो ऐप, ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर। वाओ, सो के बिल गेट्स और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई है। बड़ी जबरदस्त ये एक मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी साहब के घर पर। दुनिया के बड़े अरबपतियों में से एक और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू लिया है, क्योंकि उसके अंदर बिल गेट्स को जब पीएम मोदी ने कहा कि आप इस पिक्चर आप अपनी पिक्चर ले, तो वे पिक्चर ली, उसके बाद जो फर्दर उसका प्रोसीजर था उसको देख के वो इतना शॉक्ड हो गए, इतना हैरान और इतना सरप्राइज हो गए। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी और बिल गेट्स के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से लेकर भारत में हो रही डिजिटल क्रांति तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सोल्यूशन ऑफ दिस इशू क्या है कि ना आप अफगानिस्तान को ऑन बोर्ड ले सकते हैं, ना इंडिया आपके साथ बैठने को तैयार है। आप इंडियन लोगों को आप वो बात पहुंचा रहे हो कि आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, लेकिन मैं समझता हूं कि बड़े वाइज डिसीजन लिए हैं मोदी साहब ने। और दुनिया का टेक बैरन, दुनिया की सबसे सुपर पावर कंट्री से जो बिलोंग करता है, इवन वो हैरान है कि इंडिया में इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। ये आई थिंक इंडिया इस चीज को महसूस कर चुका हुआ है कि नाउ द वर्ल्ड नीड्स इंडिया। जो साइंस और टेक्नोलॉजी के कर्ता धर्ता कहे जाते थे, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बॉस ये कह रहा है कि यू आर द बॉस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी। जो न्यूज डिस्कस करने लगे हैं वो बड़ी जबरदस्त न्यूज है और वो खबर जो है इस वक्त हर तरफ चल रही है। अभी अभी की डेवलपमेंट बिल्कुल अभी की न्यूज में आपको दे रही हूँ और हुआ कुछ यूं है कि बिल गेट्स और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई है। बड़ी जबरदस्त ये एक मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी साहब के घर पर, उनकी रेजिडेंस पर ये मीटिंग हुई है। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बॉस ने इंटरव्यू किया है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का और उसमें उन्होंने काफ़ी बातचीत की है। बहुत से ऐसे टॉपिक तो एक ही है और वो है डिजिटल इंडिया, लेकिन उस डिजिटल इंडिया के अंदर यानी डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, लेकिन उसके अंदर और उसके बहुत से सब टॉपिक्स भी हैं। तो हुआ कुछ यूं कि इस टॉपिक के इस मीटिंग के दौरान चाय वाई पी दोनों ने और उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने जो बिल गेट्स हैं उनको दिखाया, उन्होंने कहा कि देखें ये जो मेरी, क्योंकि वो बिल गेट्स सवाल पूछ रहे थे उनसे और सवाल वो ये पूछ रहे थे, असल में वो एक सबसे बड़ी जमहूरियत और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे थे कि आखिर अपने ये जो मैजिक है ये कैसे कैसे कर दिखाया है, यानी ये जो मोदी मैजिक है ये कैसे कैसे किया है, उसके ऊपर वो सवाल कर रहे थे। क्योंकि मैंने वो सवाल जवाब सुने इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लव यू आलिया जी, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू टू, टू ऑल ऑफ यू, लव टू ऑल। अच्छा, तो इसमें उन्होंने जो बिल गेट्स हैं उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि ये जो आपने एक तो डिजिटल रेवोल्यूशन आप ले आए, लेकिन सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आपने ये आम लोगों तक पहुंचाया, तो ये कैसे कर दिखाया आपने? तो मोदी साहब जो है उन्होंने फरमाया कि देखिए ये जो मैंने जैकेट पहन रखी है, जो उन्होंने वेस्ट कोट पहन रखी थी, ये जो है ये जिस फैब्रिक से बनी है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। यानी वो इस हद तक ख्याल रखते हैं कि वो उनका अपना पहनावा भी जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। फिर उन्होंने कहा, बिल गेट्स ने कहा कि आपका ये रेवोल्यूशन जो है ये यहाँ तक हुआ कि जो नारी शक्ति है, यानी जो डिजिटल रेवोल्यूशन का इस्तेमाल हो रहा है वो गवर्नेंस में हो रहा है, वो नारी शक्ति के लिए हो रहा है, वो फार्मर्स के लिए हो रहा है, वो एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, वो एक आम दुकानदार के लिए हो रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कैसे ये आप कर रहे हैं। तो इस पे नरेंद्र मोदी ने उनको ये बताया कि देखिए जो हमारी खवातीन हैं वो इसके ऊपर जब वो मुझसे बात करती हैं, मैं एक प्रोग्राम करता हूँ जिनसे मैं उनसे बात करता हूँ, तो वो बड़ी खुश होती हैं कि कहाँ उनके पास चलाने को उनको साइकिल भी चलाना नहीं आती थी और कहाँ वो ड्रोन चला रही हैं। तो उन्होंने ये किया है कि उनको ड्रोन ले दिए। अच्छा, इसी तरीके से जो फार्मर्स या जो एग्रीकल्चर में जो अब हो रहा है तो वो उनको अब ड्रोन चलाना आते हैं क्योंकि उनको ड्रोन प्रोवाइड किए गए कि ये ले जनाब आपके पास ड्रोन मौजूद है, आप अपने ऊपर से आप सारा देख सकते हैं अपना इसको और इसको जो है इसके अंदर यूज कीजिए। तो ये उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ी और जो औरतें हैं, जो वहां की खवातीन हैं, नारियां जो है इंडिया की, वो ड्रोन्स को बड़े अच्छे तरीके से यूज कर रही हैं और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े कमाल तरीके से कर रही हैं।
तो देखिए ये जो है ये है डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया के, जिसके ऊपर जो डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाले कहे जाते थे, हाँ जी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के कर्ता धर्ता कहे जाते थे, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बॉस ये कह रहा है कि यू आर दी बॉस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी, कि तुमने जो अपने मुल्क में कर दिखाया तो मुझे बताओ कि तुमने कैसे किया, उसके ऊपर दोनों बातचीत करते रहे। तो बड़ी ही जबरदस्त मजे की दिलचस्प बातचीत, थोड़ा सा मैंने देखा, पूरा नहीं देखा, उसमें से चंद जो मुझे उन्होंने जो क्वेश्चन किए बिल गेट्स ने उनसे, उनका जो उन्होंने जवाब दिया वो मैंने आप तक पहुंचाया। आप भी इंटरव्यू पूरा देखिए, उसमें और भी बहुत कुछ होगा। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो है, फिर उन्होंने G20 पे बात की, नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20, बिल गेट्स जो है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया जब नरेंद्र मोदी ने उनको ये बताया कि जनाब ये जो G20 हमने उसके दौरान क्या क्या कुछ किया, ड्यूरिंग द G20 समिट इन इंडोनेशिया जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड एक्सप्रेस देयर, जो बहुत ही क्यूरियस थे वो ये चाहते थे कि उन्हें बताया जाए कि भाई ये जो है ये कैसे हो रहा है और किस तरह हुआ है, और इसमें रेवोल्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर और एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में जो है इंडिया कैसे लेके आया है, वो ये पूछ रहे थे। द डिजिटल रेवोल्यूशन इन द कंट्री, आई एक्सप्लेन टू देम दैट वी हैव डेमोक्रेटाइज्ड टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट मोनोपोली एंड इट इज बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो एक वो साइकॉप्स भी इंडिया के लिए पॉजिटिव फेवर में, एक इंडिया की गुडविल अगर आप कह लें, या आप सॉफ्ट पावर क्रिएट करने में और ज्यादा एडिशनल हेल्प करेगा। थर्ड इज के आप इंडियन लोगों को आप वो बात पहुंचा रहे हो कि आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, और दुनिया का टेक बैरन, दुनिया की सबसे सुपर पावर कंट्री से जो बिलोंग करता है, इवन वो हैरान है कि इंडिया में ये इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका में जिस लेवल का इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ट्रैकिंग सिस्टम है, जो अपने वो प्रोजेक्ट्स को और अपनी ऑफिसेस को और मिनिस्ट्रीज को जिस तरीके से ट्रैक करते हैं या अपनी स्कीम्स को ट्रैक करते हैं, डैशबोर्ड्स वगैरह, इस लेवल का अमेरिका में भी नहीं है। UPI अमेरिका में इस लेवल का नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप दूसरी डिजिटल लेवल पे अगर जो बात कर लें, जो जिस तरीके का एक है ना कि इंडिया की डिजिटल यूथ है, डिजिटल यूथ कह लें आप उसको, टेक सेवी यूथ कह लें, जो मोदी जी ने कहा कि बच्चा पैदा होता है तो वो आई भी कहता है और AI भी कहता है, ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब है कि हमारी डिजिटल और टेक सेवी यूथ है विच इज रेडी टू कॉन्कर 21st सेंचुरी, क्योंकि 21st सेंचुरी इन्हीं चीजों की है, टेक्नोलॉजीज की। आपको पता है अमेरिका में कोई भी स्टेट अभी तक, कंप्लीट स्टेट कोई भी ब्लॉकचेन पे नहीं आया है। इंडिया में 2 स्टेट ब्लॉकचेन पे आ चुके हैं और कुछ डिपार्टमेंट ब्लॉकचेन पे आ चुके हैं, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो पीएम मोदी ने एक बहुत खूबसूरत इस पे बात ये भी तो की है ना कि मैं नहीं चाहता कि औरतें जो हैं वो घास काटें या फिर बकरियां चराएं और गाय का दूध निकालें, तो मैं चाहता हूं मैं उनके हाथ में टेक्नोलॉजी दूंगा। तो ये बहुत खूबसूरत मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि भाई औरतों को आगे बढ़ना चाहिए।